दोस्तों सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 89% लोग स्टॉक मार्केट पे लॉस कर रहे हैं। आप कैसे ये लॉस से बच सकते हो, चलिए उसके बारे में डिटेल्स पे जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप स्टॉक मार्केट पे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करके जाना है जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में मदद करेगा। जनरली देखो, अगर आप बिगनर के हिसाब से स्टॉक मार्केट पे काम करना चाहते हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फास्ट आता है नॉलेज। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि किसी टाइप का स्टॉक के अंदर आपको एंट्री करना चाहिए। लोग गलती से पेनी स्टॉक के अंदर घुस जाते हैं और अगर किसी स्टॉक हाई वोलेटाइल है उसपे बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए उसी स्टॉक के अंदर घुस जाते हैं, वो एक गलती हो जाता है। और एक चीज क्या रहता है, आप जब भी कोई भी ट्रेड वगैरह बनाते हो, आपको देखो हमेशा एक चीज देखना है कि कैसे आप आपकी प्रॉफिटेबल जो है वो प्रॉफिट को कैसे आप बड़ा करने के लिए देखोगे और जो लॉस है वो लॉस को कैसे छोटा करने के लिए देखोगे। लेकिन जिन लोग स्टार्टिंग से काम करते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है, वो जब भी उनका प्रॉफिट ग्रो कर रहा होता है वो प्रॉफिट को काट लेते हैं और जितना ज्यादा लॉस है वो लॉस को होल्ड करके बैठते हैं। और हमेशा देखो जब भी थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है उनको ये डर लगा रहता है कि ये प्रॉफिट चला ना जाए। और देखिए और एक प्रॉब्लम होता है, लोग ज्यादातर इधर उधर का न्यूज सुनते हैं कि इसी स्टॉक के अंदर आज बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, इस स्टॉक के अंदर घुस जाते हैं या कोई फ्रेंड बता दिया, विदाउट नॉलेज विदाउट रिसर्च के साथ वो काम कर लेते हैं, इसीलिए जनरली मार्केट पे उनको ज्यादातर नुकसान होता है। अगर आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हो आपको कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करके जाना पड़ेगा। देखो पहला, आप ट्रेड किस पे करोगे, कोई तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर ब्रोकर या सब ब्रोकर चूज करना है जहां पे आप अकाउंट ओपन करके उस पे काम कर पाओगे। और ऐसे ब्रोकर चूज कीजिए जो आपको चार्ट फैसिलिटी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता हो, कस्टमर सपोर्ट देता हो, कुछ अगर आपके डाउट्स वगैरह हो आप पूछ सकते हो, तो इसीलिए आपके जो ट्रेड है वो ट्रेड का जर्नी आपका थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। और देखिए ऐसा नहीं कि आपको एक सिर्फ अच्छा ब्रोकर मिल गया तो आपको मार्केट पे प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। तो इसीलिए किसी भी मार्केट पे आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको प्रॉपरली नॉलेज लेना चाहिए। देखो वो बेसिकली इक्विटी मार्केट हो सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट जिसको हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं वो हो सकता है, या आप कमोडिटी मार्केट ले लो, गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम निकेल कॉपर, आप इसके अंदर भी काम कर सकते हो। अगर आप करेंसी मार्केट के साथ जाना चाहते हो, बेसिकली अभी चार करेंसी तो हमारा इंडिया पे अलाउ है, तो बेसिकली यूएसडी आईएनआर हो गया, यूरो आईएनआर हो गया या जेपीआई आईएनआर हो गया, तो ये तीन चार करेंसी हमारा अलाउ है, जीबीपी आईएनआर हो गया, तो आप इसके अंदर काम कर सकते हो। तो ये देखो हमारा अलग अलग सिक्योरिटी हो जाता है, तो आप किसके ऊपर काम करना चाहते हो उसके बारे में आपको प्रॉपरली नॉलेज लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप इस पे काम करने के लिए जाओगे तो एक डिसेंट प्रॉफिट इस पे जनरेट कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप जिसी के ऊपर भी काम करो, अगर आप सिर्फ इक्विटी के अंदर ही काम कर रहे हो, इक्विटी के अंदर काम करने से पहले प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी आपको बनाने की जरूरत है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्यों बनाना है, देखो आप उस पे ऐसा नहीं कि आप रैंडमली किसी भी स्टॉक के ऊपर आप लेके काम करोगे, तो फोकस कीजिए, किसी एक स्टॉक को फिक्स कीजिए, उसी का मूवमेंट को प्रॉपरली पता कीजिए, उसके बाद आप उस पे आपकी स्ट्रेटेजी बना के काम कर सकते हो। दोस्तों आप किसी भी मार्केट पे काम कर लीजिए, इक्विटी मार्केट पे, डेरिवेटिव मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पे, फॉरेक्स मार्केट पे, लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान देना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, कितना आप रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड पे, रिस्क आपका कितना आ रहा है। अगर आप 0.5% या 1% रिस्क ले रहे हो उसके हिसाब से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो देखिए कैपिटल का कभी भी किसी भी सिनेरियो में 1-2% से ज्यादा रिस्क एक ट्रेड पे नहीं लेना है। अगर आप छोटा रिस्क लेते हो और आपका जो रेशियो है टारगेट का मिनिमम 1:2 या 1:3 के हिसाब से अगर आप लेके काम करोगे, तो देखना आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो ट्रेडिंग जर्नी थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपको लॉस आएगा लॉस आपकी कंट्रोल के अंदर रहेगा। दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम जो पॉइंट डिस्कशन किए मैंने आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर कोई ट्रेडर स्टार्टिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग, उनको देखो लैक ऑफ नॉलेज होता है, इसीलिए पहले मार्केट के बारे में थोड़ा नॉलेज लेना चाहिए। कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो भी ट्रेड आ रहा है वो ट्रेड का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट के लिए हमको वेट करना चाहिए। और देखिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू चार्ट फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड होता हो, तो उस पर प्रॉपरली काम करके
एक जो एग्जीक्यूशन हमारा है, एग्जीक्यूशन जनरली स्मूथ हो जाए। और देखिए, हमको मार्केट पे काम करने से पहले प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बना के काम करना है, जो स्ट्रैटेजी हमको गाइड करेगा कि हम मार्केट पे कैसे काम करेंगे। अगर आप इस वीडियो के साथ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कुछ न्यू पॉइंट ऐड करना चाहते हो जिसको ट्रेडर फॉलो करके जाएंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। ये ट्रेडर को काफी हेल्प करेगा, ये जो भी ट्रेडर कमेंट को भी चेक करेंगे उनको भी काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ वैल्यू आपको मिला है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिला है, तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ के प्रॉपर नॉलेज लेके काम करना चाहते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे शेयर किया है, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने हमेशा लेके आ रहा हूँ। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, मैंने जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।